देखिए गाइस, क्या खूबसूरत वादियाँ दिख रही हैं आज, क्या खूबसूरत बादल दिख रहे हैं आज यहाँ। हर्ष भाई भी अभी माता जी के दर्शन कर रहे हैं। और हर्ष भाई कैसा लग रहा है फिर यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बढ़िया हो रहा है बिल्कुल माता की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग फ्रॉम बीटी कैडी द्वारा हाट। तो कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज फिर से आपको, कल भी मैंने हिडन प्लेस दिखाया था अपना बीटी के आईटी का, और आज भी आपको बीटी के आईटी कैंपस के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक हिडन प्लेस है वो दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उस व्यू को देख के। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो खूबसूरत सा हिडन प्लेस। सो गाइस, आपका भाई उस खूबसूरत से हिडन प्लेस में पहुंच चुका है और अब आपको दिखाएंगे वहां की खूबसूरती। वो है आपका सरस्वती मंदिर, बीटी के आईटी कैंपस के अंदर पड़ता है एक खूबसूरत सा मंदिर। तो चलिए चलते हैं, मैं भी दर्शन करता हूँ और आप लोगों के भी सरस्वती माता के दर्शन कराते हैं। तो वीडियो को देखिए और यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लीजिए। चलिए, जय माता दी। सो गाइस, आपका भाई सरस्वती मंदिर में पहुँच चुका है। चलिए, अब मैं अपने के लिए भी घंटी बजा देता हूँ, आप लोगों के लिए भी बजाता हूँ, आप लोगों को भी माता जी का प्रसाद मिले। जय हो माता जी। सो गाइस, ये आपका सरस्वती माता का मंदिर देख लीजिए पूरा। ये यहाँ का पूरा कैंपस है, आप देखिए बड़ी खूबसूरत जगह में बना हुआ है, कितने वादियों के बीच में है ये सरस्वती माता का मंदिर। आप लोग भी आइए यहाँ पर और माता जी के दर्शन करिए। चलिए, अब मैं आपको माता जी के भी दर्शन करा देता हूँ। थोड़ा ये बंद है, ताला वाला लगा हुआ है, बाहर से दर्शन करा देता हूँ और मैं भी बाहर से दर्शन कर लेता हूँ, तो आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। तो मैंने आप घंटी बजा दी है, आप बाहर से ही, आप और मैं दोनों जने सरस्वती माता के दर्शन कर लेते हैं यहाँ से। आप देखिए, ये है सरस्वती माता जी की मूर्ति, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और मैंने भी दर्शन कर लिया है बाहर से ही। तो देखिए, ये है सरस्वती माता मंदिर। आपको भी अच्छी बुद्धि मिले, मुझे भी अच्छी बुद्धि मिले माता जी के आशीर्वाद से, तो बढ़िया रहेगा। चलिए, अब आपको पूरा कैंपस दिखाते हैं यहाँ का, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ दिखाते हैं। और देखिए, बीटी के आईटी कॉलेज यह है और यहीं पर थोड़ा पास में ही आपका ये खूबसूरत सा मंदिर पड़ता है। ये देखिए, पूरा प्रांगण है यहाँ पर माता जी के मंदिर का, यहाँ पर घंटियाँ भी लगी हुई हैं। चलिए, अब आपको दूसरे मंदिर भी दिखाते हैं इसी के अंदर। ये पूरा आपको अभी मैं कैंपस दिखाते हुए चल रहा हूँ, गोल गोल चक्कर मार रहा हूँ इधर के। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग भी एक बार विजिट करिए और माता जी का आशीर्वाद लीजिए। देखिए कि भूमिया मंदिर भी यहाँ पर, भूमिया देव का मंदिर है। चलिए, अब मैं भी दर्शन करता हूँ यहाँ के और आप लोग भी देव के दर्शन कर लीजिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये यहाँ पर, और इधर का ये यहाँ पर ये भी बना हुआ है, इतना प्यारा सा, पूजा पाठ करने के लिए, हवन वगैरह करने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत है, और वो हर्ष भाई भी सरस्वती माता जी के दर्शन कर रहे हैं, वो भी पूरा राउंड ऑफ ले रहे हैं वहाँ का। हर्ष भाई, ये देखिए, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से। आप इधर का नज़ारा देखिए, आप कितना खूबसूरत वादियाँ हैं, उधर आगे को द्वाराहाट भी दिखता है यहाँ से, और देखिए कितने खूबसूरत बादल आ रहे हैं आज। देखिए गाइस, क्या खूबसूरत वादियाँ दिख रही हैं आज, क्या खूबसूरत बादल दिख रहे हैं आज यहाँ से। ये देखिए कितने रंगीन, कितने खूबसूरत से बर्फ़ जैसे एकदम बर्फीले बादल बने हुए हैं आज यहाँ के। कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए आप कितना मज़ेदार नज़ारा है, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा ऐसे नज़ारों को देख के। देखिए और इन्जॉय करिए। हर्ष भाई भी अभी माता जी के दर्शन कर रहे हैं। और हर्ष भाई कैसा लग रहा है फिर यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बढ़िया हो रहा है बिल्कुल। माता की मूर्ति भी बहुत बढ़िया है। माता जी की मूर्ति भी बढ़िया है, क्यों? ये देखो, यहाँ भंडारा होता था यहाँ पे। हाँ, इस एरिया में पहले भंडारा होता था यहाँ पर, मैंने कभी खाया नहीं लेकिन सुना बहुत है। हाँ, ये तो सही करो यार, अब कोरोना आ गया तो यहाँ खाते, एक ना एक बात तो खाते ही एक ना एक भगवान जी का प्रसाद चखते जरूर यहाँ पर, क्यों हर्ष भाई? यहाँ पे ये बना रखा है, ये जाने का रास्ता है यहाँ से। हाँ, ये देखिए, ये नीचे जाने का पूरा रास्ता है इधर से, आप लोग देख लीजिए। बीटेक वाले एमटेक वाले बांटते थे हम ऐसे, जब बांटते थे खाना। हाँ, ये तो सही कहा तुमने यार,
चलिए हर्ष भाई, मज़ा आया फिर सच हाँ हाँ मंदिर बढ़िया आके, बिल्कुल और लोगों को रिकमेंड भी करोगे यहाँ का। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से इसका रास्ता सामने गोजा चौराहे से सीधे अंदर को आके ही है। सबसे पहले ये हाँ कॉलेज आने पड़ता है, पहले मंदिर पड़ता है। हाँ ये तो है, कुछ चौराहे के पास ही है मंदिर, आप हाँ लोग भी जरूर एक बार आइए। चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा दिए, हर्ष भाई ने भी कर लिए, आप यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लगता है इधर आपको, आप लोग देखेंगे तो आपका भी दिल यहाँ पर एकदम खुश बाग बाग हो जाएगा। और ये देखिए तुलसी माता का पौधा भी लगा हुआ है इधर, कितना खूबसूरत है, देखिए आप, पास से दिखाता हूँ आपको, तुलसी माता के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। और इधर का व्यू देखिए आप, व्यू कितना खूबसूरत व्यू है इधर का। गाइस ये शनिदेव का मंदिर भी है, हर्ष भाई ने भी सिर झुका लिया, मैं भी झुका लेता हूँ अब यहाँ पर। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, पास से दिखाता हूँ आपको, एक ही पेड़ के नीचे बना हुआ है शनिदेव का मंदिर, और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना उसकी तो बात ही अलग है, भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं और इन वादियों का मज़ा भी ले लेते हैं यहाँ पर आके। तो आप लोग भी आइए और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, देखिए पास से करा देता हूँ आपको, ये शनिदेव का मंदिर है आपके। सो गाइस, अब हमने आपको आज एक और प्यारा सा खूबसूरत सा हिडन प्लेस दिखाया BTKIT का, वो दिखाया हमने आपको आज सरस्वती टेम्पल इन BTKIT द्वाराहाट, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग जरूर आना एक बार, जब भी आप BTKIT की तब को आओगे तो माता जी के दर्शन जरूर करना। तो आई होप आप लोगों को गाइस आज का हिडन प्लेस वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज टेक्निकल अंदाजी ब्लॉग्स, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बाय बाय।